शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ से हैं परेशान तो करें ये उपाय, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, कुछ गांठ जन्मजात होती है जो जन्म के कुछ दिनों बाद अपने आप अच्छी हो जाती है। गांठें अक्सर चोट लगने, किसी तरह का संक्रमण होने, रक्त प्रवाह बाधित होने व फैट अधिक होने से होती है। कुछ गांठें हल्की टाइट तो कुछ में गैस भरी होती है जो दबाने से पिचकती है, जैसे ही छोड़ते हैं तो दोबारा उभर जाती है। हैवी अभ्यास आकस्मिक बंद करने से भी गांठें बन जाती हैं। इन गांठों को नज़रअंदाज न करें, देर न करें, डॉक्टरी परामर्श लेकर उपचार कराएं। कुछ गांठें कैंसर का रूप ले लेती हैं। आइए जानते हैं किन कारणों से गांठ बनती है। अनुवांशिक कारणों से भी गांठ संबंधित समस्या होती है। इसमें गर्दन में गांठ, सिर के पीछे, कान के पीछे, रीढ़ के निचले हिस्से में गांठ होती है। ये समस्या परिवार में माता पिता में से किसी को होती है तो बच्चों को होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। ऐसे में परिवार में किसी को इस तरह की समस्या पहले से है तो बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। उनके शरीर पर गांठ हो रही है तो तत्काल शिशु रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। इसी तरह संक्रमण होने या ट्रामा के मुद्दे में कई बार ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इससे गांठ बनती है। सिर में गांठ होने पर तेज दर्द होता है। फेफड़े में गांठ होने से सांस लेने में दर्द के साथ खिंचाव महसूस होता है। ओवेरियन सिस्ट होने पर पेट के निचले हिस्से में दर्द व स्किन की गांठ में सूजन के साथ दर्द होने की संभावना है। कुछ मामलों में मरीज को ऐसा अभ्यास होता है कि इसके भीतर कुछ चल रही है। कई बार ये गांठें धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाती हैं। समय से जांच करवाकर उपचार कराना महत्वपूर्ण है। खेलते वक्त लगी चोट से भी बनती है गांठ। बच्चों को मिट्टी में न खेलने दें। मिट्टी में खेलने से बच्चों को पैरासाइड इन्फेक्शन का खतरा अधिक रहता है। बच्चों को खेलते वक्त अक्सर चोट लग जाती है जिस पर वे ध्यान नहीं देते हैं, वह बाद में गांठ बन जाती है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने से गांठ संबंधी समस्या से बचा किया जा सकता है। शुगर लेवल की नियमित जांच महत्वपूर्ण होती है। डायबिटीज़ रोगियों को पीठ पर गांठ बनने व स्त्रियों में स्तन में गांठ बनने की संभावना अधिक रहती है। शुगर लेवल की नियमित जांच कराएं। स्त्रियों को स्तन की स्वजांच करानी चाहिए जिससे किसी तरह की गांठ संबंधी समस्या का समय रहते पता चल सके। स्तन में पस या खून निकल रहा है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएँ।